हेलो किड्स, लेट स्टार्ट एडिशन प्रैक्टिस। एडिशन प्रैक्टिस जो होती है, सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस, मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस, ये हमारे मैथ्स की स्पीड को इम्प्रूव करती है। इसीलिए हमें इन ये जो प्रैक्टिस होती हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है 9 + 2। आप इन सवालों को सॉल्व करने के लिए या तो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपने फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, यूकेजी क्लास के बच्चे हैं वो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे जहाँ तक हो सके आप फिंगर्स को यूज़ कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है 9 + 2। तो 9 के बाद हम 2 फॉरवर्ड जाएंगे फिंगर्स पे, 9 के बाद 10, 11, तो 11 आंसर हो जाएगा। और यूकेजी क्लास के बच्चे क्या कर सकते हैं, 2 लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और 9 के बाद 2 फॉरवर्ड जाएंगे, 10, 11, तो 11 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 6 + 3। 6 के बाद हम 3 फॉरवर्ड जाएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 लाइन्स ड्रॉ की, 6, 7, 8, 9, तो जो 9 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 + 4, हम 4 फॉरवर्ड जाएंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो जो 12 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 + 5, 5 में 5 फॉरवर्ड जाना है 5 से, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, 5 के आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10, तो जो 10 है वो हमारा आंसर होगा। 7 + 6, 7 के आफ्टर 6 फॉरवर्ड जाना है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो जो 13 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है 4 + 7, ठीक है। आपको क्या करना है, 7 से 4 फॉरवर्ड जाना है। जब भी हम एडिशन करते हैं तो आप चाहे 4 से 7 को प्लस करो, चाहे 7 से 4 को प्लस करो, जो आंसर है वो सेम आता है। तो हम बिग नंबर से स्मॉल नंबर के लिए फॉरवर्ड जाएंगे। ओके, तो 7 के बाद 4 फॉरवर्ड जाने पे क्या होता है, 7 के बाद हम 4 फॉरवर्ड जाएंगे, 8, 9, 10, 11 आंसर आएगा। 8 और 2, तो हम 8 से 2 फॉरवर्ड जाएंगे, 9, 10, ओके 10। 3 + 9, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से 3 फॉरवर्ड जाएंगे। ओके, 9 के बाद 10, 11, 12, ये हो गया 12। 1 + 8, जब किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो नेक्स्ट नंबर होता है। ओके, 8 + 1, 9। 9 + 8, 9 में हम 8 फॉरवर्ड जाएंगे, 9 और 8, 17, ठीक है। 9 के आफ्टर अगर आप 8 फॉरवर्ड जाते हो तो आपको 17 मिलता है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ओके। नेक्स्ट है 8 + 8, ओके। आपको 8 में 8 को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 के आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16। 7 + 8, तो हम 8 से 7 फॉरवर्ड जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 से अगर हम 7 फॉरवर्ड जाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। 6 + 8, अगर हम 8 में 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके। 8 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 14। 5 + 6, 6 से 5 फॉरवर्ड जाने पे क्या आंसर आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। 4 + 5, अगर हम 5 से 4 फॉरवर्ड जाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 9, ओके। नेक्स्ट है 3 + 4, फॉरवर्ड जाने पे आ जाएगा 7। 3 + 2, 4, 5, आंसर क्या हो जाएगा, 5। 2 + 1, 2 से 1 आफ्टर जाएंगे, 3, ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। 7 + 5, तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे, 5 फॉरवर्ड जाएंगे, तो 7 के बाद 5, 8, 9, 10, 11, 12, ओके, आंसर हो जाएगा 12। 7 + 4, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 11। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 7 + 3, 1, 0, 10, ठीक है। अगर हम 7 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। 7 + 2, 8, 9, ओके, यस। 6 + 5, 6 में 5 प्लस करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके, 11। 6, 4, 10, 6 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 1, 0, 10। 6 + 3, 6 से 3 फॉरवर्ड जाने पे 7, 8, 9। नेक्स्ट है
सिक्स प्लस टू सेवन एट, ओके आंसर होगा एट। फाइव प्लस फोर, फाइव में फोर फॉरवर्ड जाने पे क्या आएगा नाइन, ठीक है आप इसको कैलकुलेट करना, आपका जो आंसर है आपका क्या आएगा, फाइव में अगर फोर फॉरवर्ड जाओगे आंसर आएगा नाइन। फाइव प्लस थ्री, फाइव में थ्री फॉरवर्ड जाने पे आंसर आता है एट, ओके आप इसको फिंगर पे काउंट करना, लाइंस ड्रॉ करके काउंट करना, आपको जो आंसर है वो समझ आएगा। फोर प्लस थ्री, फोर से थ्री फॉरवर्ड जाएंगे, फाइव सिक्स सेवन, ओके और फोर से टू फॉरवर्ड जाने पे क्या होगा, फोर प्लस टू फोर, फाइव सिक्स, तो जो सिक्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके तो आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, ओके जो मैथ्स स्पीड होती है अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।